बहुत आगे तक बहुत लंबा जाम है। गलती कर दी यार मैंने इस रोड पे लेकर के यार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी बज रहे हैं 5:21 शाम के, और सभी बड़ों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं अपने कामकाज से फ्री होकर के आ चुका हूँ, और बस अब है ना एक बार बार्बर नाई के यहाँ पे जा रहा हूँ, और फिर उस और कुछ एक आज कंबल वितरण भी करने हैं, क्योंकि क्या है कुछ लोगों की मेरे पास में वो आई थी कि हाँ जी यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके पास ओढ़ने का कुछ भी नहीं है, तो उनको आज कंबल भी दे के आएंगे ना। नहा धो करके निकलने में थोड़ी सी देर हो गई घर से, और अब बस निकला हूँ। पहले अपन जूस पियेंगे, उसके बाद में मैंने क्या है कंबल भी ले लिए हैं, अभी आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, 10 से 12 कंबल ले लिए मैंने, परचेज किए थे, मेरे पास 2-3 ही पड़े थे, बाकी मैंने 8-10 परचेज कर लिए हैं। और अब पहले यार फ्यूल भी डला लें गाड़ी में, वैसे तो आधी टंकी पड़ा है यार। चलो कोई बात नहीं, फ्यूल नहीं डलाते हैं फिर अभी, और चलते हैं सीधे अपने जूस वाले के पास में। जूस पी करके और निकल लिया हूँ। बढ़िया आपने गाजर मिक्स जूस पी लिया, आंवले आंवले अच्छे से डलवाए थे अपन ने, तो बढ़िया एकदम। क्या है कि यार मूड फ्रेश हो जाता है। अब क्या है ये जो छोरा है ना लड़का जूस बनाने वाला है, मेरे से पूछता है, बोले भैया यार मसाला तो डलवा लिया करो। मैंने कहा यार मसाला वो लोग डलवाते हैं जिनके क्या है ना कि जूस है ना समझ नहीं आता जिन्हें। अब इस बात को आप अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना यार मुझे तो हर चीज़ का रॉ टेस्ट ही पसंद है यार। दूध भी मैं मतलब जो है प्लेन ही पीता हूँ बिना चीनी का, बॉर्नविटा और बाकी सब तो डलवाने की बात ही बहुत दूर की बात। एक भाई साहब जस्ट अभी जो है ना मेरे अंदर ही घुसे आ गए थे एकदम, सामने से बोनेट टू बोनेट उन्होंने है ना जस्ट टच कर ही दिया था। अब यार मेरे को समझ नहीं आता कि लोग जो हैं मतलब, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ लाइसेंसिंग रूल्स को प्लीज सख्त करो, ताकि ये जो बागड़ बिल्ले हैं ना जो रोड पे ऐसे ही चल रहे हैं। ये अपना माधो सिंह सर्किल है जिससे होते हुए मैं निकल रहा हूँ, और भाई बढ़िया एकदम साइकिल चलाते हुए यार, इसको देख करके अपना भी मन कर गया साइकिल चलाने का। अरे भाई कैसे भाग रहे हैं ये, कैसे दौड़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में भी कहा था, और इस व्लॉग में भी दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, कि हाँ जी आप लोगों को जयपुर के अंदर कोई भी प्लेस वगैरह देखनी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर से बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस जगह को आपको जा करके और दिखाऊं, और उसके बारे में आप लोगों के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। बढ़िया एकदम स्मूथ ट्रैफिक दिख रहा है यार, हाँ मज़ा आ रहा है एकदम देख करके यार। मतलब ऐसे ही चलता रहे ना अगर ट्रैफिक यार, तो कितना मज़ा आता है। मूविंग एकदम बढ़िया आनंद एकदम। और मेरा जो लुक है ना यार, इसके बारे में ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। बुरा लग रहा हूँ तो ज़रूर बताइएगा, जैसा भी लग रहा हूँ ना एकदम है ना जो रॉ कमेंट्स हैं वो शेयर करिएगा मुझे। खासा कोटी फ्लाईओवर के नीचे से अपन होते हुए, और यहाँ पे क्या है थोड़ा ट्रैफिक रुक गया है, यहाँ से धीमा हो चुका है ट्रैफिक एकदम, क्योंकि धीरे धीरे यार अपन MI रोड की तरफ बढ़ रहे हैं ना, और MI रोड के जस्ट बाद में सिटी स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए यार ये जो होटल है ना यार, जो रेडिसन है, इसकी क्या बढ़िया लाइटें लगती हैं यार, एकदम बढ़िया। ट्रैफिक थम गया है यार, क्या बात हो। ओ माई गॉड भैया बहुत बुरा जाम है, बहुत ज़्यादा बुरा। बहुत बड़ी गलती कर दी यार सच में मैंने इस रोड पे लेकर के। मैं अदरवाइज रेलवे स्टेशन से होकर के भी जा सकता था, पर मैंने कलेक्टर सर्कल से ले लिया, और अब इसका क्या है भुगतान करना ही पड़ेगा अपने को, और वो भुगतान ऐसे होगा कि आप लौट तो सकते नहीं हो वापस से, तो इसी ट्रैफिक के अंदर मेरे को खड़ा रहना पड़ेगा। और आगे तक जाम दिख रहा है बहुत ही भयंकर, मतलब कैमरे के अंदर उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि जाम कितने आगे तक का है। अपन ने तो क्या है ना यार एक समझदारी का काम कर लिया है कि वापस से यू टर्न मार लिया, शनि मंदिर जो है ना MI रोड पे जस्ट वहाँ से वापस यू टर्न मार लिया है, और ये आ गया अपना शनि मंदिर, क्योंकि मैंने यू टर्न मार लिया है तो मेरी साइड में आ चुका है। ये देखिए इसमें बालाजी महाराज भी हैं, अरे शनि महाराज भी हैं। और यू टर्न मार के और वापस से जो ये अपना होटल था ना रेडिसन, उसके पास में जो रोड जा रही है ना ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ये देखिए जस्ट जो सामने रोड जा रही है, इससे अपन होते हुए और क्या है हसनपुरा की साइड से होते हुए निकल लेंगे। बढ़िया एकदम, ये यहाँ से मैं निकल लिया हूँ अब देखिए। और इसी तरीके की समझदारी क्या है लाइफ में करते रहनी पड़ती है, तभी आप लोग है ना चल पाते हैं, क्योंकि अगर आप लोग टाइम टू टाइम समझदारी ना दिखाएं ट्रैफिक के अंदर या लाइफ में कहीं भी, ज़रा सी भी चूक होते ही है ना बहुत सारे है ना बखेड़े फैल जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। जो अपना ये राजपूताना शेरटन आ गया राइट में, जो मैं आपको दिखाता ही रहता हूँ ज़्यादातर, तो उसके सामने वाली है ट्रैफिक, इसलिए क्योंकि सामने से देखिए बस क्रॉस कर रही है। अदरवाइज़ क्या है कि यहाँ पे एकदम फ्लोइंग एकदम मूविंग ट्रैफिक मिलेगा अपने को। और कुछ खास यार मुझे तो ये वाली XUV है ना कुछ खास लगी नहीं है, ये जो नया वाला मॉडल आया ना, मतलब यार कार्स वगैरह के जो स्टार्टिंग के अंदर मॉडल आते हैं ना यार वो एकदम बढ़िया लगते हैं मुझे। और XUV का भी जो मतलब 500 मॉडल था ना W8, वो बढ़िया था एकदम मस्त लगता था एकदम मेरे को। अब जैसे ही इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए वरना, अगर आप लोगों को याद है सबसे पुराने वाली जो वरना थी ना यार कितनी शानदार थी यार, उसकी बॉडी भी बड़ी प्यारी थी मजबूत थी, और गाड़ी भी एकदम धांसू, मतलब उसके अंदर क्या है जान भी अलग ही थी। मतलब ऐसा मुझे फील होता था कि हाँ यार एलेंट्रा ले लीजिए, हुंडई की जो एलेंट्रा है
जो फर्स्ट वाली आई थी वो यार मतलब बहुत ही सही थी, हमारे एक नून ने ली थी, क्या बढ़िया कंफर्टेबल गाड़ी थी यार, क्या बढ़िया गाड़ी थी कसम से यार। यार ये बॉलीवुड वालों को और इन लोगों को क्या गाने नहीं मिल रहे क्या यार, कुछ भी लिरिक्स नहीं मिल रहे क्या, कुछ भी गाना बनाते हैं यार कुछ भी, लास्ट 5-7 साल के अंदर मतलब मैक्सिमम आप 10 साल मान लीजिए, मतलब सारा कचरा रायता फैला रखा है भयंकर। अब यार अभी एक गाना सुना मैंने नया सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि पहले लिरिक्स मैंने सुने नहीं, कि जब काली ड्रेस पहन के क्लब में आती तू मेरा दिल धक 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 करता है, अरे यार भाई, और फिर उसके बाद धक 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 पे बीट्स मारे जा रहे हैं, कोई मज़ा नहीं आ रहा, कोई स्वाद नहीं आ रहा कि हाँ जी थोड़ी सी बीट्स आप एंजॉय कर लो, कभी क्लबिंग के अंदर चला लो, बाकी देखो यार बीच में मैं इंटरप्ट वापस से अपनी बात को काटना चाहूँगा कि क्लब के अंदर तो आजकल कुछ भी बजा देते हैं, ठीक है, रिमिक्स करके डीजेज वगैरह कुछ भी प्ले कर देंगे, लेकिन आज भी जो पुराने हैं ना तमा तमा और उन सब के जो रिमिक्सेस चल रहे हैं ना यार, उनकी कोई होड़ नहीं है, उनका कोई सानी नहीं है यार बिल्कुल भी, और उनके ओल्ड वाले जो थे ना वो भी वर्जन्स है ना एक नंबर है, मतलब क्लासिक। तो जी आ गए अपन अपने बालाजी महाराज के मंदिर, अपने सुपरमैन बालाजी महाराज के मंदिर। तो जी कंबल का सीन तो ऐसा है कि अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक जो मतलब रिक्शा गाड़ी है उसके ऊपर बहुत सारे रजाई और कंबल रखे हुए थे, तो जिनको मैं देने के लिए आया था, जिनकी मेरे पास क्वेरी आई हुई थी, तो एक कुछ लोग थे जिन्होंने क्या है कि मतलब कुछ फैमिलीज ने मिल करके 100 कंबल रजाई जो है टोटल दान में देने का इनका मतलब मूड बनाया और फंड इकट्ठा किया, तो ये गरीबों को ढूंढ रहे थे, तो जो मेरे पास 5-7 कॉल आए थे मैंने उनको भी बुला लिया कि हाँ जी आप यार मंदिर पे आ जाओ यहाँ पे, तो वो आ गए और फिर उनको भी मैंने इनसे दिलवा दिया, भैया अपने को तो क्या है बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करनी थी, मैं तो खाली कंबल देने जा रहा था, इनके पास में रजाई और गद्दे भी थे, तो उससे बढ़िया क्या काम हो सकता है यार। तो अपन जी अभी सिविल लाइन से होते हुए और वैशाली नगर की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए ऊपर पूरा का पूरा है मेट्रो का काम, लेफ्ट हैंड साइड में मेट्रो के हैं जो आपको पिलर्स वगैरह दिख रहे हैं, और रावत कचोरी वाले ने भी इस बिल्डिंग के अंदर अपनी एक ब्रांच डाल ली है, वैसे रावत वालों की जो मेन ब्रांच है, देखिए ये रावत की ब्रांच आपको दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा हाँ जी है, वैसे रावत की जो मेन ब्रांच है वो सिंधी कैंप पे है बस स्टैंड पे, और जो रावत कचोरी है ना वो फेमस है प्याज की कचोरियों के लिए, क्योंकि प्याज की कचोरी का जितना मैंने सुना है लोग कहते हैं कि हाँ जी इनोवेशन ही उसी ने किया था, कि भैया प्याज की कचोरी वो जो बेचता है ना वैसी कोई नहीं बेचता, आज एकदम वैसा का वैसा स्वाद रहा नहीं है उनका, लेकिन आज भी जो प्याज की कचोरियों की खपत उनकी है ना उनके मुकाबले कोई नहीं बेचता इतनी ज़्यादा प्याज की कचोरियाँ। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये कंबल थे जो अपन लेकर के निकले थे यार, ये करीब 8-1 कंबल हैं, और यार ये क्या रखा है नीचे, ओ माय गॉड नान खटाई, क्या बात है, ये तो ऊपर लेके जानी पड़ेगी यार खाने के लिए। भैया खजाना मिल गया यार, बढ़िया एकदम शानदार खजाना मिल गया, नान खटाई रखी हुई थी यहाँ तो, वो भी 2-2 डब्बे, अब थोड़ी छोड़ने वाले अब इनको, घर वालों ने छुपा के तो नहीं रखे होंगे, भूल गए होंगे गाड़ी में डिक्की में जो भी है अब ये अपनी है। और अगर आपको पॉपुलर बढ़िया एकदम कि हाँ भाई फेमस गज्जा की खानी है कि हाँ जी मतलब पॉपुलर होनी चाहिए, और साथ में क्या है पॉपुलर होनी चाहिए मतलब कि जयपुर की फेमस गज्जा कहाँ से खाएं, तो ये आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा सा आउटलेट वैशाली के अंदर, ये नारायण जी गज्जक है, ये देखिए नारायण जी गज्जक जो है ना यहाँ से आप खा सकते हैं, नारायण जी और ईश्वर जी दो ही गज्जक वाले हैं जो मेन हैं एकदम बहुत पुराने और फेमस हैं, पॉपुलर आप कह सकते हैं कि हाँ जी बहुत बड़ा इन लोगों का काम है, और बड़ा तो क्या शुरुआत में तो ये लोग स्टार्ट हुए थे बहुत ही छोटे काम से, ठीक है, और फिर उसके बाद में सभी का ऐसी जर्नी होती है यार कि स्टार्टिंग में हम छोटे काम से स्टार्ट करते हैं, आज तो ये लोग बहुत ही बड़े लोग हैं, लेकिन इनकी गज्जकों की जो क्वालिटी है, किसी को ईश्वर जी पसंद आती है किसी को नारायण जी की, लेकिन यही दो लोग हैं मेन जयपुर के अंदर गज्जक के अंदर जो टॉप लोग हैं दोनों। बस अपना प्यार बनाए रखिए, और अगर व्लॉग्स देखते हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा यार, है ना, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलेगी जैसा कि मैं हर एक व्लॉग के अंदर बोलता हूँ, और जैसे ही आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे ना कि हाँ जी जयपुर के अंदर ये चीज़ दिखाइए, ये फलाना चीज़ दिखाइए, या फिर हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या जयपुर नहीं कहीं और की भी, तो मैं आपको पक्का वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, और अगर वहाँ जा सकता हूँगा पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि मैं। और हाँ अभी आप लोग कहीं भी अगर स्नोफॉल देखने जाने की या फिर मतलब हिमाचल में कहीं भी जाने का मूड बना रहे हैं, उत्तराखंड या कहीं भी पहाड़ों के साइड में, या इंडिया के अंदर डोमेस्टिक कहीं भी ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं, तो उसके भी सजेशंस आप मेरे से ले सकते हैं। मेरा एक भाई भी है, मतलब एक नोन है जिसकी क्या है कि ट्रैवल एक कंपनी है, तो उस पर जाकर के प्लान पैक ट्रैवल नाम है उसका, तो इसका इंस्टा के ऊपर वो ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं है, क्योंकि उसके डायरेक्ट माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी है ना
उसके थ्रू उसके पास में क्या है कस्टमर्स आ जाते हैं, ठीक है। वो जो रेट देगा ना आपको, मैं इतना जानता हूँ अच्छे से, वो कोई नहीं दे सकता यार, क्योंकि वो एकदम मिनिमम मार्जिन के ऊपर और उस हिसाब से प्लान करके देता है कि हाँ जी जैसे वो खुद ही घूमने जा रहा है। तो आप उसके लिए भी मेरे से ज़रूर सजेशन ले सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर डाल करके, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा उससे। बस घर पे पहुंचने वाला हूं, जस्ट पहले वाली रेड लाइट पे खड़ा हूं। अगर आप लोगों ने व्लॉग यहां तक का देखा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा बेल आइकन दबा करके। सभी बड़ों का विशेष तौर से सम्मान करें मेरे